वेलकम बैक टू द ग्रामर गेम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं टेंसेस की सीरीज चल रही है, तो आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो से पहले मैंने तीन वीडियो लेक्चर्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं उन तीनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप उस लिंक पे जाके उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उन तीनों वीडियोस पे कोई लाइक, कोई शेयर, कोई कमेंट नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ आपकी टेंसेस की बेसिक नॉलेज अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको टेंसेस पे मास्टरी हो जाए, आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए। मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है। आप मेरी वीडियोस को लाइक ना करें, शेयर ना करें, कमेंट ना करें, लेकिन सीखें तो सही। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के टेंस में मैं आपको बताती हूँ क्या है। फ्रेंड्स, जब ऐसा कोई काम जो पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी जारी हो, मतलब अभी भी चल रहा हो, तो इस टाइप की सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी हिंदी की निशानी बता दूं। जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूं प्लस पास्ट का समय यानी कि बीता हुआ समय आ जाए, वो सेंटेंसेस की निशानी होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब ये पास्ट का समय कैसे आएगा सेंटेंसेस में? ऐसे आएगा, 2 घंटे से, 2 बजे से, सुबह से, शाम से, कल रात से, 1990 से, सोमवार से, शनिवार से। जब इस तरह से कुछ आ जाए सेंटेंस में समय, बीता हुआ समय का कुछ भी, ये सब इनमें से कुछ भी, तो आप यूज करेंगे सिंस का या फिर फॉर का। किसका यूज करेंगे? सिंस का या फिर फॉर का। फ्रेंड्स, यहां मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने यूज ऑफ सिंस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, सजेस्ट करूंगी उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, आप यूज ऑफ सिंस यानी कि सिंस का यूज करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा दावा है उस वीडियो को देखने के बाद यानी कि सिंस की वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी सिंस को यूज करने में गलती नहीं करेंगे। आज की वीडियो में भी मैं आपको रिविजन के तौर पर थोड़ा सा बताऊंगी सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है। लेकिन अगर आपको अगर डिटेल में समझना है सिंस का यूज कहाँ होता है, तो आप यूज ऑफ सिंस की वीडियो जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी की निशानी क्या है। अब हम समझते हैं इसके इंग्लिश के रूल्स। तो इंग्लिश के रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस has been या फिर have been, जिसको आप बोलते हैं helping verb। आपको has been या फिर have been subject के according use करना है, plus यानी कि इसके बाद main verb की first form plus ing plus since या फिर for का, ये है इसका English का rule। अब sentences से पहले या फिर example से पहले मैं आपको थोड़ा सा revision के तौर पे ये बता देती हूँ since का use कहाँ होगा और फॉर का यूज कहां होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं सिंस का यूज कहां होगा। सिंस का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित समय। जब निश्चित समय मेंशन होगा सेंटेंस के अंदर, हिंदी के सेंटेंसेस के अंदर, तब आप सिंस का यूज करेंगे। अब निश्चित समय कैसे, मैं आपको ये बताती हूं। जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 1 o'clock, 5 o'clock, फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है। तो जब भी हिंदी के सेंटेंसेस में ऐसे आए 2 बजे से, 3 बजे से, 1 बजे से, 5 बजे से,
6 बजे से, चाहे सुबह की बात हो रही हो या फिर रात की बात हो रही हो, मतलब एएम या फिर पीएम, आपको सिंस का यूज करना है। और कहां सिंस का यूज करना है? और आप यूज करेंगे डेज ऑफ द वीक, जैसे मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। जब भी सेंटेंसेस में आए सोमवार से, मंगलवार से, तो आप सिंस का यूज करेंगे। और कहां यूज करेंगे? मंथ्स ऑफ द ईयर, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब कोई भी महीना आ जाए आप सिंस का यूज करेंगे। जनवरी से, सिंस जनवरी, फरवरी से, सिंस फरवरी, अप्रैल से, सिंस अप्रैल, जून से, सिंस जून। और कहां यूज करेंगे? 1990 से, सिंस 1990, सन 2000 से, सिंस 2000, 2005 से, सिंस 2005। ऐसे जब भी सन की, किसी भी ईयर की बात हो रही होगी तो आप सिंस का यूज करेंगे। और कहां यूज करेंगे? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, यानी कि सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल रात से, लास्ट नाइट, कल रात से, तब भी आप सिंस का यूज करेंगे। और कहां यूज करोगे? पिछले साल से, जब भी सेंटेंस में आए वह पिछले साल से पढ़ रही है, वह पिछले साल से अपना जन्मदिन मनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी सेंटेंस में आए पिछले साल से, तब आप यूज करेंगे सिंस लास्ट ईयर। कब से, कई बार सेंटेंस में आता है आप कब से ये काम कर रहे हैं, कब से, सिंस व्हेन, तब से, सिंस देन। तो फ्रेंड्स, ये था सिंस का यूज। अब हम समझते हैं फॉर का यूज कहां होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, मैंने यूज ऑफ सिंस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, आप सिंस को यूज करने में गलती नहीं करेंगे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। प्लीज प्लीज मत कीजिएगा लाइक, मत कीजिएगा शेयर, मत कीजिएगा कमेंट, पर यूज ऑफ सिंस तो सीख लो, एटलीस्ट इंग्लिश बोलना तो सीख लो, एटलीस्ट यूज ऑफ सिंस में मास्टरी तो कर लो। तो अब हम समझते हैं यूज ऑफ फॉर का यूज कहां होगा। तो फॉर का यूज होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय, जब समय फिक्स ना हो। जैसे 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे, कुछ नहीं पता, सुबह की बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, आधे घंटे से, कौन सा टाइम है ये, कितनी बस की बात हो रही है, कुछ नहीं पता, तो आप यहां पर फॉर का यूज करेंगे। और कहां करेंगे? 2 महीनों से, या फिर 3 महीनों से, 4 महीनों से। अब कौन से 2 महीने, कौन से 3 महीने नहीं पता है, सिर्फ इतना बोला गया 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, कौन से 2 हफ्ते, कौन से 2 महीने, नहीं पता, तो हम यहां पर फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से, 3 महीनों से, फॉर 3 मंथ्स, पिछले कई दिनों से, कौन से, कितने दिन से, नहीं पता, तो फॉर मेनी डेज। तो फ्रेंड्स, ये था यूज फॉर का। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा सिंस का यूज कहां करना है और फॉर का यूज कहां करना है। अब फ्रेंड्स, हम वापस रूल पे आते हैं जो मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंग्लिश के सेंटेंसेस का रूल क्या है, जो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करना है। उसके बाद आप मेन वर्ब का यूज करेंगे, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद से, कल से, 2 बजे से, जब सेंटेंस में आएगा तो सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूं। अब मैं आपको बताती हूँ हैज बीन का यूज कहां होगा और हैव बीन का यूज कहां होगा। तो फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होते हैं? ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे दीपक, जैसे प्रिया, जैसे संजय, जैसे शालिनी, किसी एक व्यक्ति का नाम हम वहां पर हैज बीन का यूज करेंगे। हैव बीन का यूज कहां होगा? आई, यू, दे, वी, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि जब बहुत सारे लोग होंगे तब भी हम हैव बीन का यूज करेंगे। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से कैसे इन सेंटेंसेस को बनाया जाएगा।
तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। अब फ्रेंड्स सेंटेंस की हिंदी की निशानी देखिए, रहा है, रहे हैं, रही है, प्लस पास्ट समय सुबह से, यानी कि सुबह से खेल रहा है, प्लस मैंने क्या कहा था, अभी भी काम चल रहा है, सुबह से खेल रहा है और अभी भी खेल रहा है। तो ये सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करना है। मैंने आपको बताया था किसी का नाम होगा, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो हम किसका यूज करेंगे? हैज बीन का। तो मोहन हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेल रहा है, खेलने की इंग्लिश प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्लस आईएनजी प्लेइंग, हमने आईएनजी ऐड कर दिया प्लेइंग सुबह से। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा? मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंस, सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? मोहन हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। हमारा सेंटेंस रेडी है। अब फ्रेंड्स एक और सेंटेंस देखिए, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? रहा है, रहे हैं, रही है, हिंदी की निशानी। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। क्यों फ्रेंड्स? दोनों सेंटेंसेस में आप डिफरेंस देखिए, यहां पे है मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा है और यहां है मोहन फुटबॉल खेल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया था सेंटेंस की हिंदी की निशानी होगी रहा है, रहे हैं, रही है, लेकिन समय नहीं होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी की निशानी है रहा है, रहे हैं, रही है, प्लस पास्ट का समय, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है, चल रहा है। ये फर्क है, ये डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में, और यही डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। एक और एग्जांपल देखिए, बारिश 2 घंटे से हो रही है। अब फ्रेंड्स बारिश यहां पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बारिश है, तो बारिश के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट का। इट के साथ आप क्या यूज करोगे? हैज बीन या फिर हैव बीन। मैं आपको बता चुकी हूं ही शी इट के साथ हैज बीन का यूज होगा। तो इट हैज बीन बारिश, बारिश की इंग्लिश रेन, आईएनजी आपने यूज करना है रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। अब 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से? कोई फिक्स टाइम नहीं है, हमें कोई नहीं पता कौन से 2 घंटे से। तो यहां पर आप सिंस का यूज करेंगे या फॉर का, बताइए। मैं आपको बता चुकी हूं जब फिक्स टाइम ना हो, हमें ना पता हो कौन से टाइम की बात हो रही है, तो हम फॉर का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। फ्रेंड्स अब हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले इसका रूल समझ लीजिए। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव प्लस नॉट। फ्रेंड्स यहां पे आप ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव है आपको वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो हमारा क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। फ्रेंड्स यहां पे आपने ध्यान रखना है हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज होगा। एग्जांपल देखिए, तुम 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। फ्रेंड्स मम्मी बोलती है ना, जब एग्जाम डेज चल रहे होते हैं तो मम्मी कहती है ना तुम 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, या कई बार पापा भी ऐसा ही बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मैं आपको बता देती हूँ, आप मम्मा पापा को बता देना कि इसको इंग्लिश में बोलो, हिंदी में नहीं, हम तब पढ़ेंगे, ठीक है? तो तुम 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ हमने क्या यूज करना है? हैज बीन या फिर हैव बीन। तो यू के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ हैव बीन का यूज होगा, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हैव नॉट बीन, मैं आपको बता चुकी हूँ हैव बीन के बीच में आपने नॉट का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हैव, यू हैव नॉट बीन। पढ़ने की इंग्लिश रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी रीडिंग, यू हैव नॉट बीन रीडिंग। कब से? 5 घंटे से। कौन से 5 घंटे? नहीं पता, टाइम फिक्स है नहीं है, तो यहां पे क्या लगाएंगे? फॉर 5 आवर्स। सेंटेंस हमारा तैयार है, यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। रूल देख लीजिए,
सेंटेंस देख लीजिए, हमारा तैयार है। एक और एग्जांपल देखिए, दिनेश 2015 से यहां नहीं रह रहा है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? दिनेश। तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन का यूज करना है। तो जब एक नाम हो, किसी व्यक्ति का सिंगुलर हो, अकेला व्यक्ति हो, एक ही नाम है, तो हमने हैज का यूज करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो हैज नॉट बीन, रहने की इंग्लिश लिव, साथ में आईएनजी लिविंग। दिनेश हैज नॉट बीन लिविंग, कहां नहीं रह रहा है? यहां। यहां की इंग्लिश हेयर, कब से? 2015 से। सिक्स टाइम है, क्या लगाएंगे? सिंस, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो दिनेश हैज नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे। सबसे पहले इसका रूल समझिए। तो रूल क्या है? हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है यहां पर बीन का यूज आपने सब्जेक्ट के बाद करना है और हैज या फिर हैव को आपने सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जांपल देखिए, क्या वे एक घंटे से टीवी सीरियल्स देख रहे हैं? अब यहां पे क्या करेंगे, हमने पहले हैज या फिर हैव का यूज करना है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या? वे। वे मतलब दे। तो आप मुझे बताइए, दे के साथ हैज का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे? मैं आपको बता चुकी हूं दे के साथ हैव का यूज होगा। तो हैव दे बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीवी सीरियल्स देखने की इंग्लिश होती है वॉच द टीवी सीरियल्स। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग। हैव दे बीन वॉचिंग द टीवी सीरियल्स, कब से? एक घंटे से। कौन सा एक घंटा? निश्चित समय है? नहीं है। तो क्या यूज होगा? फॉर का। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो क्या सेंटेंस बना? हैव दे बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स फॉर 1 आवर। अब इसी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, जो कि बनेगा, क्या वे एक घंटे से टीवी सीरियल्स नहीं देख रहे हैं? तब आपने बड़ा सिंपल सा एक नॉट यूज करना है किसके बाद? हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। पहले रूल समझिए। तो यहां पर रूल है, हैज या फिर हैव आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ध्यान से समझिए, आपने नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करना है और बीन से पहले करना है। ध्यान से समझिए, नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा सेंटेंस था, क्या वे एक घंटे से टीवी सीरियल्स नहीं देख रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है? वे। तो हमने हैज या फिर हैव में से क्या यूज करना है? हैव। मैंने इसके बाद क्या बताया? सब्जेक्ट हैव दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट प्लस बीन, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग। हैव दे नॉट बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स फॉर 1 आवर। है ना कितना सिंपल? यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, कई बार हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में, आपने सुना होगा, यह बारिश कब से हो रही है? ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं। इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुकी हूं कब से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंस वेन। क्या बोलते हैं? सिंस वेन। अब सेंटेंस क्या हमारा? बारिश कब से हो रही है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैं आपको बता चुकी हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिंस वेन कब से का, तो आपको बता दिया। हैज या फिर हैव पहले यूज होता सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट बारिश के लिए इट होगा, मैंने आपको बता ही दिया। तो सिंस वेन हैज इट, क्यों? क्योंकि इट के साथ हैज का यूज होना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। सिंस वेन हैज इट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन प्लस आईएनजी रेनिंग। अब देखिए, यहां पर बाद में एंड में सिंस और फॉर का यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यूज कर दिया है कब से। सिंस वेन आपको ये याद रखना है, जब भी सेंटेंस में आए कब से, तो आपको इंग्लिश बनानी है सिंस वेन, और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे हैज या फिर हैव
उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन। बस इस रूल का ध्यान रखना। और अगर आपने जवाब ये देना हो, यार बारिश तब से हो रही है, तब कैसे बनाएंगे? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो आप कैसे बनाएंगे? उसी रूल से, इट हैज बीन रेनिंग तब से, सिंस देन। मैं आपको बता चुकी हूं कब से, सिंस व्हेन, तब से, सिंस देन। बस कब से सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है और तब से सेंटेंस के एंड में आता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस को बनाने की, उतना अच्छे से आपको ये टेंस समझ आ जाएगा। तो आप कोई दो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।